नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं सुबह की गर्मा गर्म खबरों के साथ। दोस्तों, देश और दुनिया में तमाम हलचलों के बीच में ऐसी कई सारी खबरें और अपडेट्स निकल कर आ रही है, जैसे कि कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन। देश में चल रही है अनलॉक की प्रक्रिया। स्कूल कॉलेजेस को खोलने के लेकर देश के अलग अलग राज्यों के अपने अपने प्लान्स हैं। इसके अलावा थिएटर्स को लेकर भी अलग प्लान्स हैं। एंड इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कई बड़े फैसले कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे और भी कई अपडेट्स और जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सही और सटीक खबरें जानकारियां आप तक हम पहुंचाएंगे। बस आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इनकी सुर्खियों की ओर। बदल गया आपका आधार कार्ड, अब एटीएम कार्ड की तरह बनेगा नया आधार कार्ड। वाहन चालकों को बड़ी राहत, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर नहीं होगा चालान। ट्रेनों में आसानी से मिलेगा कंफर्म टिकट, रेलवे ने की डिब्बों में सीटें बढ़ाने की तैयारी। अब युद्ध होगा, बातचीत से नहीं मान रहा चीन, LAC पर 60,000 सैनिक किया तैनात। प्रवासी मजदूरों के लिए किराए के 50,000 घर बनाएगी सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां। भारत एक से अधिक कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल पर कर रहा विचार, स्वास्थ्य मंत्री बोले कमजोर तबके को पहले। SBI का फेस्टिवल धमाका, लोन लेना हुआ आसान और प्रोसेसिंग फीस की भी मिल रही है छूट। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकल कर सामने आ रही हैं, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। बस हाँ, आप ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ रख रहे हैं, इसे यूं ही बरकरार रखिए, क्योंकि आपका यही प्यार और सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और बेहतर काम करने के लिए। बस आप इसी तरीके से अपना ये प्यार हमें दर्शाते रहिए वीडियो को लाइक करके, और वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना मत जाए किए खबरों की ओर नजर डालते हैं। आज के समय में आधार कार्ड हर किसी के लिए कई मायनों में एक जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया है। कई सारी स्कीम से लेकर स्कूलों में बच्चों के एडमिशन तक के लिए आधार कार्ड मांगा जाता है। इसके अलावा आधार कार्ड को पहचान पत्र के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है। पहले आधार कार्ड पोस्ट के जरिए भेजा जाता था, लेकिन अब आपको आधार कार्ड एक नए अवतार में देखने को मिलेगा। इस नए तरह के आधार की सबसे खास बात ये होगी कि अब रखरखाव के लिहाज से ये बहुत ही सहूलियत भरा होगा। आधार बनाने वाली संस्था UIDAI ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी है कि अब आधार कार्ड को पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC कार्ड पर रिप्रिंट कराया जाता है। ये कार्ड आपको ATM या डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाएगा, साथ ही इसे जल्दी खराब होने की भी चिंता नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पूर्वी लद्दाख में 5 महीने से जारी गतिरोध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात किए हैं। साथ ही पोम्पियो ने चीन के खराब बर्ताव और क्वाड समूह के देशों के लिए नजर आ रहे खतरों को लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका को चीन की ओर से पेश खतरों से जुड़े वास्तविक जोखिम है। उधर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि भारत से लगती सीमा पर ताकत के बल पर नियंत्रण करने की चीन की कोशिश उसकी विस्तार आक्रामकता का हिस्सा है। ये कबूलने का वक्त आ गया है कि बातचीत से चीन अपना आक्रामक रुख नहीं बदलने वाला। इधर चीन के रवैये को देखते हुए भारत भी अलर्ट है। भारतीय सेना LAC पर पूरी सतर्कता बरत रही है। भारतीय वायुसेना चीन से निपटने के लिए अपनी तैयारियों में जुट गई है। चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। पिछले साल के मुकाबले खाने के तेल पहले ही 25-33% महंगा बिक रहा था, लेकिन अब त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने और सरसों के तेल के दूसरे तेलों की ब्लेटिंग बंद होने से कीमतों में और उछाल आ गया है। सरसों का तेल अब 160 रुपए प्रति किलो हो गया है। आलू प्याज के बाद अब खाद तेल आम आदमी की जेब ढीली कर रहा है। पिछले एक साल के अंदर दामों में 25-30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। त्योहारी सीजन में भाव में और बढ़ोतरी होने की आशंका है। पिछले साल सरकार ने पाम ऑयल के आयात पर रोक लगा दी थी, जिससे इस साल पाम ऑयल का आयात 14% तक गिरा। इसका असर भाव पर साफ दिखा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पिछले साल की तुलना में सोयाबीन ऑयल में करीब 18 रुपए की तेजी है, जबकि सनफ्लावर ऑयल में 40 रुपए और पाम ऑयल में 31 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी है। रही सही कसर फैसाई ने सरकारी तेल की ब्लेंडिंग पर भी रोक लगाकर कर दी है। ब्लेंडिंग पर 1 अक्टूबर से रोक के बाद सरसों तेल के दाम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते में कीमतों में 10-15 रुपए का इजाफा देखने को मिला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भारतीय रेलवे आने वाले दिनों में यात्रियों को कंफर्म सीटें उपलब्ध कराने के लिए ट्रेन के डिब्बों में बड़े बदलाव करने जा रहा है। रेलवे जल्द ही ट्रेन में 72 नहीं बल्कि 83 बर्थ के एसी कोच चलाएगा। पैसेंजर ट्रेन के नजरिए से रेलवे का ये बड़ा बदलाव होगा। 83 बर्थ वाले एसी कोच रेलवे की कोच फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं, जिसे जल्द ही ट्रैक पर उतारा जाएगा। अब तक थर्ड एसी कोच में 72 बर्थ या सीट होती थी। रेलवे कोच के नए डिजाइन के जरिए ट्रेनों में सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की तैयारी हो रही है। ट्रेन में यात्रियों की बैठने की क्षमता बढ़ने से यात्रियों को आसानी से कंफर्म टिकट भी मिल पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रवासी मजदूरों को आने वाले समय में राहत मिलने वाली है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इंडियन ऑयल और दूसरी सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को सरकारी मजदूरों को किराए पर देने के लिए 50,000 घर बनाने को कहा है। खबर के अनुसार इससे मजदूरों को सस्ता किराए में रहने के लिए घर मिल जाएगा। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर लाखों मजदूरों के शहरों से गाँवों की ओर पलायन करने के बाद सरकार की किफायती किराए के आवास डेवलप करने की योजना है। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने यानी कि हर किसी का टीकाकरण करने के लिए एक से ज्यादा वैक्सीन निर्माता के साथ गठजोड़ करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सबसे कमजोर समूह इससे पहले प्राप्त करे। मंत्री ने कहा कि भारत की बड़ी जनसंख्या आकार को ध्यान में रखते हुए एक टीका या वैक्सीन निर्माता पूरे देश में टीकाकरण की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए हम भारतीय आबादी के लिए उनकी उपलब्धता के अनुसार देश में कई कोरोना टीकों को पेश करने की वारिता का आकलन करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने भारत में कोविड-19 टीके के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं किया है। मंत्री ने कहा कि कोरोना का पता लगाने के लिए फेलुदा पेपर स्ट्रिप जांच अगले कुछ हफ्तों में शुरू हो जाएगी। साथ ही टीका आने पर सबसे पहले गरीब तबके के लोगों को दिया जाएगा। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। इस त्योहारी सीजन में SBI एक शानदार ऑफर लेकर आया है। SBI से लोन लेने पर आपको प्रोसेसिंग फीस से आजादी मिलने वाली है। बैंक बहुत ही आकर्षक ब्याज दरों पर गोल्ड लोन, कार लोन और पर्सनल लोन ऑफर ला रहा है। साथ ही बैंक की ओर से प्रोसेसिंग फीस 100% माफ किए जाने का ऐलान है। SBI का कोई भी ग्राहक अब SBI योनो के लिए गोल्ड लोन, कार लोन या पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसे प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। वहीं बैंक की ओर से लोन का अप्रूवल भी जल्द ही मिल जाएगा। SBI की ओर से खुशियों की सौगात ऑफर के तहत त्योहारों में कार लोन सिर्फ 7.50% ब्याज की दर पर दिया जा रहा है। वहीं गोल्ड लोन के लिए भी ग्राहकों को 7.50% ही ब्याज देना होगा। अगर कोई ग्राहक इस ऑफर के तहत पर्सनल लोन लेना चाहता है तो उसे 9.60% ब्याज देना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने आज स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड बांटने की योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत लगभग 1,00,000 भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS से मिलने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें फिजिकल तौर पर संपत्ति कार्ड बांटेंगी। इस मौके पर पीएम ने कई लाभार्थियों से बात की। इस मौके पर पीएम ने कहा कि स्वामित्व योजना ने देश के गांव और गरीब लोगों को बड़ी राहत दी है। पीएम ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत दिया गया दस्तावेज एक कानूनी कागज है। इस योजना से देश के गांव में ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में यह बड़ा कदम है। गांव में रहने वाले लोग स्वामित्व योजना के तहत आत्मनिर्भर बनेंगे। अगले 4 साल में हर गांव में इस तरह के प्रॉपर्टी के कागज देने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना से गांव में जमीन से जुड़े ज्यादातर विवाद खत्म हो जाएंगे। इस योजना से भू संपत्ति मालिक अपनी प्रॉपर्टी की वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। इसका इस्तेमाल लोन के लिए अप्लाई करने सहित अन्य आर्थिक लाभ के लिए किया जा पाएगा। दिल्ली में फिलहाल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाने पर चालान नहीं किया जाएगा। दिल्ली में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कार्यवाही नहीं करने के आदेश जारी किए हैं। कैलाश गहलोत ने इस विषय में जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए सभी हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फिट करने के संबंध में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने वाहन निर्माताओं की शिकायतों के समाधान के लिए OEM निर्माताओं को एक सिस्टम बनाने का निर्देश दिया है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया रूरल और आधे शहरी मार्केट में भी अपना कारोबार बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में कंपनी अब देश में ज्यादा कैपेसिटी वाली बाइक और स्कूटर में अपनी मौजूदगी कायम करने के बाद अब एंट्री लेवल की मोटरसाइकिल बनाएगी। खबर के अनुसार होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया देश की दूसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है और अब वो ग्रामीण तथा आधे शहरी इलाकों में बाजार में हिस्सेदारी पाने के लिए 110 सीसी से कम इंजन कैपेसिटी के साथ एंट्री लेवल की मोटरसाइकिल लाने की तैयारी कर रही है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
WHO समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने N95 फेस मास्क को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सबसे कारगर हथियार माना है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने भारत से इसके निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके। अब केंद्र ने N95 मास्क के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर निर्यात प्रतिबंध हटाने की जानकारी दी। इससे पहले केंद्र ने घरेलू जरूरतों के आधार पर अगस्त 2020 में मास्क निर्यात करने के लिए हर महीने 50 लाख इकाई की सीमा तय कर दी थी। दोस्तों, आज की इन खबरों में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। बस आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक हर एक खबर का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है देन मेक श्योर कि आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें, साथ ही अपना नाम भी मेंशन करें। धन्यवाद।